अतिशय वेगाने विकसित होत असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या पावन नगरीत पंढरपूर समीप आम्ही घेऊन आलो आहोत एक सर्व सुविधांनी युक्त विठू माऊली नगर येथे भव्य प्लॉटिंग प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये, प्रशस्त रस्ते, प्रत्येक बाजूला डिमार्केशन, संपूर्ण साईडला कार कंपाऊंड, रस्त्याच्या बाजूला स्ट्रीट लाईटची सोय, संपूर्ण प्लॉटिंग मधील रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड, संपूर्ण प्लॉट धारकांना आवश्यक वीज कनेक्शनसाठी स्वतंत्र डीपीची सोय, या आणि अशा अनेक सुविधांसह युक्त विठू माऊली नगर मध्ये 1 ते 11 गुंठ्यांपर्यंतचे प्लॉट उपलब्ध। साईटचा पत्ता विठू माऊली नगर, MIT स्कूलच्या पाठीमागे पालखी जवळ, सातारा रोड, वाखरी तालुका, पंढरपूर। पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे GST मुळे देशाच्या कर संकलनात चांगली वाढ झाली आहे। कराच्या पैशातून संपूर्ण देशभरात पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत संकल्पनेला झपाट्याने मूर्त स्वरूप येत आहे। GST कौन्सिलमुळे व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असून लवकरच पेट्रोल आणि डिझेल GST कक्षेत आणावे अशी अपेक्षा खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना व्यक्त केली। 2014 नंतर भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारत असून भ्रष्टाचाराला आळा बसत आहे, त्यामुळे विकसित भारत संकल्पना देशाला एका वेगळ्या उंचीवर नेत असल्याचे खासदार महाडिक म्हणाले। मेरी बस एक मांग आहे आदरणीय वित्तमंत्री जी से कि पेट्रोल और डीजल को भी GST के दायरे में लाना जरूरी है। सर, केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की लेकिन जो नॉन BJP गवर्नमेंट है, जो राज्य है, उन्होंने इसे लागू करने से मना किया है। हमारे महाराष्ट्र में भी सर 2 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी तो वहां पे मना किया गया था। जब 2 साल पहले केंद्र ने डीजल पेट्रोल के रेट कम किए थे तब महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी। जून 2022 में जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई तब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने तुरंत इसको लागू किया और पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे। सर, भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 2014 में 10वें स्थान पर था, वो आज 5वें स्थान पर आ चुका है। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे करके हम तीसरे स्थान पर आएंगे। मैं समझता हूं सर, ये बिल विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए ये बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।